बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है अगर हमें 2 मार्क या 3 मार्क या 4 मार्क अगर हम रीचेकिंग करवाएं, रीएसेस करवाएं और उसके अंदर अगर 2 या 3 मार्क हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में ही हम फेल हैं, अभी 3वें फेल हो रहे हैं। अगर 2 मार्क 3 मार्क बढ़ जाएंगे रीचेकिंग के बाद तो 2 का एग्ज़ाम हम जुलाई में दे पाएंगे ऐसा, तो क्या हम रीचेकिंग करवाएं? तो मैं आपको क्लियर कर दोस्तों बोल दूं कि गुजरात बोर्ड में रीचेकिंग में रीअसेसमेंट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सही बात है। अगर आप रीचेकिंग रीअसेस करवाओगे बहुत ही रेयर चांस है कि आपका रिजल्ट उसके अंदर इम्प्रूव होगा। तो आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि आपके 2 या 3 मार्क बढ़ेंगे, आपको चाहिए उसका मतलब उतने मार्क्स बढ़ के नहीं आने वाले हैं, ये दिमाग में एक बात क्लियर कर लो, ठीक है। तो रीचेकिंग रीअसेसमेंट का जो आपको लग रहा है वो चीज़ छोड़ दो। हाँ, आप अश्योर करने के लिए आपने क्या गलत लिखा है वो करने के लिए रीचेकिंग रीअसेसमेंट करा सकते हो, है ना।